दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जुपिटर मनी अकाउंट के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि दो तीन दिन पहले हमने इस पर एक डिटेल में आपको वीडियो बनाकर दिया है कि जुपिटर मनी फेडरल बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट आप खोल सकते हैं और इसके साथ ही आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है इसके बारे में भी हम आपको समझा कर बता रखे हैं। कौन सा डेबिट कार्ड मिलता है, UPI के साथ भी लिंक कर सकते हैं, क्या कुछ चार्जेस है, ये सारा डिटेल में हम आपको बता रखे हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सबसे ऊपर लिंक दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं किस तरह के कैशबैक ऑफर्स मिलते हैं, ये सारा बातें हम उस वीडियो में बता रखे हैं। इस वीडियो में सिर्फ आप जानेंगे कि कैसे इस सेविंग्स अकाउंट को खोलना होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। इसके साथ ही आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दे देना चाहेंगे कि यहाँ पर जो अकाउंट आप खोलते हैं वो यहाँ पर फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप होकर जीरो बैलेंस अकाउंट आप खोलते हैं, जहां पर कस्टमर ID, अकाउंट नंबर, उसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड इंस्टेंट मिल जाता है, UPI ID भी आप तुरंत बना पाते हो। और इसमें जो डेबिट कार्ड मिलता है दोस्तों वो यहाँ पर जो है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होते हैं, वीजा कार्ड, जो कि आप इंडिया में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, इंडिया के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी ज्वाइनिंग चार्ज या फिर एनुअल चार्ज नहीं आते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप अकाउंट को कैसे खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके उसके बाद OTP से वेरीफाई करिए, उसके बाद नाम, ईमेल एड्रेस वगैरह दर्ज करिए और आप यहां पर जो है फर्स्ट लिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, जिस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप यहां पर आओगे और फर्स्ट लिस्ट को ज्वाइन कर पाओगे। तो दोस्तों जब आप फर्स्ट लिस्ट को ज्वाइन कर लोगे उसके बाद जो है कुछ दिन बाद जुपिटर की तरफ से एक मेल रिसीव होगा, इसमें आपको जो है प्ले स्टोर का लिंक दिया जाएगा, जो कि जुपिटर एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा अर्ली एक्सेस वाला। इस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में चले जाओगे, जो कि मैं आपको बता देना चाहूँगा अभी। ये देख सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर में यहाँ पर आ चुका है और प्ले स्टोर में इंस्टॉल की ऑप्शन दिया गया है। आप ऊपर में देख सकते हैं जुपिटर अर्ली एक्सेस लिखी गई है और यहाँ पर जो है इंस्टॉल की ऑप्शन दिया गया है। जब तक आप लोगों को लिंक नहीं मिलता है तब तक आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो फिलहाल आपको नहीं मिलेगा। जब ये पूरी तरह से सभी के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा तब आपको ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो है अर्ली एक्सेस के तहत यह एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अकाउंट को खोल सकते हैं। हमने कैसे कैसे दिमाग लगाया और इस लिंक को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जब हम ओपन किए तो पता चला कि प्ले स्टोर में वही ईमेल एड्रेस लॉगिन होना चाहिए और वही ईमेल एड्रेस से आप इसे फाइंड कर पाओगे जिस पर ये मेल रिसीव हुआ है। तो अगर वह लिंक हम आपको शेयर भी करें तो कोई काम के नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट स्पेसिफिक लिंक जो है शेयर किया जाता है, उसी ईमेल एड्रेस से आप इंस्टॉल कर पाओगे, दूसरे ईमेल एड्रेस से आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जुपिटर एप्लीकेशन जो कि अर्ली एक्सेस के तहत इंस्टॉल हो चुका है। अभी से हम ओपन करते हैं और अकाउंट ओपन करने की प्रक्रिया यहाँ पर बताते हैं। तो दोस्तों ये हमने जुपिटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है, जो कि आप देख सकते हैं अर्ली एक्सेस के तहत जो है ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है और इंस्टॉल होने के बाद इस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर दिए हैं। ओपन पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन ओपन हो रहा है कुछ इस प्रकार से। नीचे में यहाँ पर स्टार्ट की ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर कुछ परमिशन मांगा जा रहा है, जो कि मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। यहाँ पर लोकेशन की परमिशन और SMS और फोन परमिशन यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो चलो यहां पर अलाउ करते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोग अलाउ करिएगा। अलाउ करने के बाद यहां पर मोबाइल नंबर एंटर करने की ऑप्शंस आ चुका है। आपको यहां पर वह मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। हमने यहां पर मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, उसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर SMS सेंड किया जा रहा है हमारे फोन से, जो कि यहां पर डिवाइस वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आप लोग जो है वह मोबाइल नंबर अपने फोन में लगाकर रखिएगा। यहां पर जो है SMS चार्ज ₹1.20 काट लिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और यहां पर मोबाइल वेरिफिकेशन फेल हो चुका है, मतलब पैसे भी काट लिया गया और मोबाइल वेरिफिकेशन फेल हो गया। चलिए रीट्राई वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। एक बार फिर से SMS भेजा जा रहा है और देखते हैं कि अभी जो है वेरीफाई होता है या फिर नहीं होता है। हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जा रहा है कुछ इस प्रकार से। ₹1.20 फिर से कट हो चुका है और मोबाइल वेरिफिकेशन फेल हो चुका है, मतलब बार बार पैसे काटे जा रहे हैं और मोबाइल वेरिफिकेशन फेल हो रहा है। और यहां पर कोई रीजन नहीं बताया जा रहा कि आखिर मोबाइल वेरिफिकेशन क्यों फेल हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग, वी कुड नॉट वेरीफाई योर मोबाइल लिखी गई है। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं रीट्राई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद SMS सेंड हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जा रहा है एक बार फिर से पैसा कटेंगे और देखते हैं कि वेरीफाई होता है या फिर नहीं। और यहाँ पर फिर से मोबाइल वेरिफिकेशन फेल हो चुका है, पता नहीं कि क्यों फेल हुआ है। यहाँ पर हेल्प वाले ऑप्शंस मिलते हैं, जिस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है कैन आई ओपन, मतलब ये नॉर्मल सी बात है,
आप यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकती हैं। तो मोबाइल वेरिफिकेशन बार बार फेल हो रहा है, चलिए हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर से ट्राई करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैसेज हमने सेंड किया, 1 रुपया 20 पैसे प्रति SMS करके काटे जा रहे थे, और यहाँ पर मेरा पैसा पूरी तरह से लूट चुका है। जो 10 रुपया का हमने रिचार्ज करा था वो पूरा पैसा समाप्त हो चुका है, 7 रुपया कुछ पैसे दिए जाते हैं और यहाँ पर पूरा के पूरा पैसा समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर आपका यहाँ पर SMS फ्री नहीं होगा तब जो है आपको दिक्कतें होगी, जो कि आप देख लीजिए किस प्रकार से डिवाइस वेरिफिकेशन में दिक्कत हो रही है। हाँ तो दोस्तों अब हम दूसरी एप्लीकेशन में ट्राई करके देख लेते हैं। हमने अपना सिम कार्ड दूसरे डिवाइस में लगा दिया है, अब हम थोड़ा सा ट्राई करके देख लेते हैं कि इस डिवाइस में वेरीफाई होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है प्ले स्टोर पर हम मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं, और इस एप्लीकेशन में एक अपडेट भी आया था जो कि आप देख सकते हैं 3 जुलाई 2021 को अपडेट आया था। तो चलो इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन ओपन कुछ इस प्रकार से हो रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है, चलो मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं। मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, उसके बाद नीचे वेरीफाई की ऑप्शंस आ रहे हैं, तो वेरीफाई वाले ऑप्शंस पर हमने क्लिक कर दिया। वेरीफाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद सिम कार्ड सेलेक्ट करना है वेरीफाई के लिए, तो चलिए यहाँ पर सेकेंड नंबर सिम कार्ड को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद SMS सेंड किया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर SMS पैक हमने ले रखा था। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं इस डिवाइस को वेरीफाई कर लिया गया है। अब आगे का प्रोसेस हम देखते हैं कि कैसे अकाउंट खुलता है। तो यहाँ पर ऑल राइट पर क्लिक करते हैं, ऑल राइट पर हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर एग्री करना है, एग्री ऑलरेडी रहता है लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। तो चलो पैन कार्ड नंबर हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं, पैन कार्ड नंबर हमने दर्ज कर दिया है। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। दोस्तों कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है, मेरा नाम लिख दिया गया है। अब यहाँ पर दैट्स मी के ऊपर क्लिक करना है, दैट्स मी के ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये रिडायरेक्ट कर रहा है बैंक को, जो कि फेडरल बैंक का अकाउंट ओपन होता है वहां पर ये रिडायरेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि आधार नंबर एंटर करने की ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम आधार नंबर को दर्ज करेंगे, उसके बाद इसे एग्री करेंगे और यहाँ पर जो है वो फॉर्म EKYC के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए फटाफट डिटेल यहाँ पर एंटर कर देते हैं, हमने आधार नंबर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म EKYC के ऊपर क्लिक कर दिया। EKYC के ऊपर क्लिक करने के बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा 6 डिजिट का, UIDAI की तरफ से भेजे जाते हैं, OTP आ चुका है। चलिए यहाँ पर OTP को हम दर्ज कर देते हैं, जो कि OTP कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं OTP हमने डाल दिया है। उसके बाद प्रोसीड विद EKYC के नीचे ऑप्शंस है, तो इस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पर प्रोसीड विद EKYC के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जुपिटर में डायरेक्ट कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलाउ करना है, यहाँ पर अलाउ कर दीजिए। चलिए यहाँ पर अलाउ करते हैं, या फिर आप जो है मैनुअली एंटर कर सकते हैं, तो चलो यहाँ पर अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शंस आ चुके हैं, हमारे आधार कार्ड से यहाँ पर डिटेल उठा लिया गया है, चलिए कंफर्म करते हैं। अगर कोई डिफरेंट एड्रेस डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, जहां पर ये जो है आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कार्ड वगैरह आ पाएगा। तो ये आधार कार्ड से एड्रेस उठाया जाता है, आप यहाँ पर डिफरेंट एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। तो मेरा ये आधार कार्ड वाला एड्रेस सही है, तो उसे रहने देते हैं और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट ओपन योर जुपिटर अकाउंट, सॉरी वी आर नॉट सर्विसेबल इन योर एरिया, जुपिटर इज करेंटली ऑपरेटिंग इन सेलेक्ट लोकेशन। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि हमारे एरिया में जो है इनका सर्विस उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से हम इस एड्रेस पर अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं। तो अनदर एड्रेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर एक एड्रेस एंटर कर देते हैं जो कि सिटी का एड्रेस है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर पिन कोड, उसके बाद हाउस नंबर या फ्लैट नंबर, स्ट्रीट या लोकेलिटी डालनी है, उसके बाद सिटी का नाम, स्टेट, सारा डिटेल डालनी है और कंफर्म कर देना है। चलो फटाफट डिटेल एंटर करते हैं और कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमने पिन कोड, सिटी का नाम, सारा डिटेल डाल दिया है। उसके बाद नीचे कन्फर्म की ऑप्शन है, कन्फर्म वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने कंटिन्यू किया, तो यहाँ पर हमारा ईमेल एड्रेस बताया गया है, फादर्स नेम एंटर करनी है, मदर्स मैटर नेम यहाँ पर दर्ज करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। हमने जो सिटी और पिन कोड डाला वहां पर सर्विसेबल है, जो कि इसके आगे का प्रोसेस हमें दिखाया गया है। तो चलो फटाफट डिटेल एंटर करते हैं। अगर आपकी एड्रेस पर सर्विसेबल नहीं होता है तो आप जो है थोड़ा हटकर दूसरा पिन कोड डालकर चेक कर लीजिएगा, और दूसरा सिटी, आसपास के सिटी का नाम होगा वो आप सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि देखा यह जाता है कि जहां पर फेडरल ब्रांच शायद उपलब्ध है ना, वहीं पर ये सर्विसेबल होती है। ठीक है, तो फटाफट डिटेल एंटर करते हैं।
हमने डिटेल एंटर कर दिया, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फाइनल फ्यू डिटेल एंटर करनी है। ऑक्यूपेशन मतलब आप क्या करते हैं, सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड है या फिर स्टूडेंट है, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो चलो सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करते हैं। एनुअल इनकम आपका कितना है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो एनुअल इनकम यानी कि सालाना इनकम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो सबसे ऊपर, अनमैरिड है तो सिंगल वाला, और नॉट एप्लीकेबल तो नीचे वाला ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहां पर सिंगल है तो चलो सिंगल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यू करने की ऑप्शंस है, चलो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। तो आप नॉमिनी को बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप नॉमिनी को अभी ऐड कर लीजिए यस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है। तो आप नॉमिनी का जो रिलेशन होगा आपका और नॉमिनी का, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नॉमिनी का नाम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, नीचे में आपका एड्रेस बताया जाएगा कि इसमें से नॉमिनी का एड्रेस क्या है। जितने भी आप एड्रेस डाले रहोगे आपको बता देगा। अगर यहाँ पर कोई अदर एड्रेस है तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस मिलते हैं, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके नीचे कुछ नहीं है, चलिए फटाफट डिटेल एंटर कर देते हैं यहाँ पर। तो नॉमिनी डिटेल हमने डाल दिया, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद नीचे सेविंग लिखा गया है। अब यहाँ पर फाइनल रिव्यू बताया जा रहा है, जो कि आप देख लीजिए आपका मोबाइल नंबर क्या है, जेंडर, पैन कार्ड, ये सारा डिटेल आप यहाँ पर देख लीजिए, परमानेंट एड्रेस और जो कम्युनिकेशन एड्रेस आपने डाला है ये सारा बता दिया जाएगा। अगर आप चाहे तो अभी एडिट कर सकते हैं, बाद में एडिट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर सारा डिटेल देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लुक गुड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, लुक्स गुड कंटिन्यू पर। अब यहाँ पर सेटिंग एम पिन फेल्ड आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, चलिए एक बार रिट्राई कर लेते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर फेडरल बैंक के पास रिडायरेक्ट कर रहा है एम पिन सेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो है चार डिजिट का एम पिन बना लेना है। चलो फटाफट चार डिजिट का एम पिन बना लेते हैं। एक बार फिर से आपको एम पिन यहाँ पर दर्ज कर देनी है, वही जो इससे पहले आपने डाला है। एम पिन दर्ज कर देने के बाद आपको डन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये रिडायरेक्ट करेगा जुपिटर के पास, जो कि आप देख सकते हैं एम पिन सेट सक्सेसफुल हो चुका है। इसे जो है इस अकाउंट को आप काफी आसानी से फोन पे, गूगल पे वगैरह पे लिंक कर सकोगे, जो कि आप लोगों को वो सुविधा वहां पर मिल जाती है जहां से आप लिंक कर सकते हो और यूपीआई से मनी ट्रांसफर कर सकते हो। लॉग इन विथ लॉक की एक ऑप्शन है, उसके बाद चलो यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये जा रहा है, रॉकेट जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, वाओ बहुत अच्छा है। चलो यहाँ पर ये जा रहा है अजीब तरह से, और यहाँ पर जो है वी आर ओपनिंग जुपिटर अकाउंट लिखी गई है, जहां पर नीचे में कुछ इसके बारे में बताया गया है कि आप 1% कैशबैक सभी प्रकार के स्पेंड पर ले पाओगे। उसके बाद आप स्लाइड करके यहाँ पर और फीचर्स के बारे में जान सकते हो, उसके बाद फिर से आप स्लाइड करके जान सकते हो, ऐसे ऐसे स्लाइड करके इसके बारे में आप जान सकते हो। ये जो है RBI लाइसेंस्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप करके रखी है, जो की एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, NPCI और वीजा, जो आप देख सकते हैं। तो इस पर एक अलग से हम वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आप वीडियो को काफी आसानी से देख पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा और इसके बारे में अच्छे ढंग से आप समझ पाओगे। यहाँ पर लिखा गया है बी आर ओपनिंग योर जुपिटर अकाउंट, दिस कैन टेक अप टू 3 मिनट्स। कहने का मतलब है कि 3 मिनट जो है अप टू लिया जाएगा समय आपके अकाउंट ओपन करने में। और ये गोल गोल घूम रहा है रॉकेट, जो की आप देख सकते हैं जुपिटर की रॉकेट जो है यहाँ पर गोल गोल घूम रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम इंतजार करेंगे और इसके आगे हम ऑफर्स के बारे में भी बताएंगे दोस्तों, जहां पर अच्छा खासा आप जो है अर्निंग कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कंग्रेचुलेशंस, मेरा नाम लिखा गया है, योर जुपिटर अकाउंट इज रेडी, यानी कि हमारा जो जुपिटर अकाउंट है वो रेडी हो चुका है। कस्टमर ID मिल चुका है, अकाउंट नंबर मिल चुका है, IFSC कोड मिल चुका है, डेबिट कार्ड जो की इनएक्टिव बताया गया है, और नीचे में UPI ID जो की इनएक्टिव बताया गया है। ठीक है, तो ये जो UPI ID होता है दोस्तों, वो आपका मोबाइल नंबर होता है @jupiter-axis लिखा होता है, जो कि आप नीचे में देख सकते हैं। और यहाँ पर कंटिन्यू की ऑप्शन है, चलो यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। तो ये कुछ इंटरफेस है जुपिटर एप्लीकेशन का, जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप फर्स्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। सी हाँ, आप जो है फर्स्ट डिपॉजिट कर सकते हैं, जहां पर गेट अप टू 10% की कैशबैक लिखी गई है, और UPI एंड डेबिट कार्ड स्पेंड पर, UPI से भी मनी ट्रांसफर करोगे उस पर भी मिलेगा, और डेबिट कार्ड से जो स्पेंड करोगे उस पर भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है आप लिस्ट में इस प्रकार से होंगे, उस प्रकार से आप जो है कैशबैक अर्न कर पाओगे। और यहाँ पर जो है सेटिंग्स की ऑप्शन से, जहां पर अकाउंट डिटेल आपका बता दिया जाता है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं यहाँ पर मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं। मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है UPI से हम डिपॉजिट कर सकते हैं काफी आसानी से। तो ये घूम रहा है गोल गोल, जो की आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है SMS चार्ज काट लिया गया, वही वेरीफाई कर रहा है ना। चलो ठीक है,
चलो पहले अच्छा है कि वेरीफाई कर रहे हो। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बता दिया गया है। अब इसी अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के मदद से हम इसमें डिपॉजिट काफी आसानी से कर पाएंगे। तो चलो अभी हम आपको डिपॉजिट करके दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन में आए हुए हैं और यहाँ पर टू अकाउंट होम पेज की ऑप्शंस में मिल जाती हैं। तो आपको टू अकाउंट पर क्लिक करना है, फेडरल बैंक को सिलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर एंटर करनी है, आईएफएससी रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है, कंफर्म करने के बाद अमाउंट एंटर करनी है। चलो यहाँ पर हम डिपॉजिट 100 रुपया करके आपको दिखाते हैं। 100 रुपया का डिपॉजिट करते हैं सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद यूपीआई पिन डालना रहेगा, यूपीआई पिन हमने डाल दिया। उसके बाद डन वाले ऑप्शंस पर क्लिक किया। डन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद पेमेंट सक्सेस हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं 100 रुपया सक्सेस हो गया है। अब यहां पर हम आपको लिए चलते हैं जुपिटर एप्लीकेशन में। तो हम यहां पर जुपिटर एप्लीकेशन में आ चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर जो है 100 रुपया तुरंत से क्रेडिट कर दिया गया है काफी आसानी से। इसमें जो बैलेंस आप रखते हैं ना, उस पर आपको जो है ब्याज दर भी मिलता है, जो कि इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अब यहां पर अनलॉक फुल बेनिफिट ऑन जुपिटर की ऑप्शंस आते हैं, तो चलो इसे एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स बताई गई है, चलिए ओके वाले निशान पर क्लिक करते हैं। चलिए अब यहाँ पर डेबिट कार्ड वाले ऑप्शंस में आ चुके हैं, जहाँ पर बताया गया है कि आप जो है टैप करके पिन को सेट कर लीजिए और अपने डेबिट कार्ड को एक्टिवेट कर लीजिए। तो चलिए इस पर हम टैप करते हैं। टैप करने के बाद कार्ड नंबर कुछ इस प्रकार से बता दिया गया है, जो कि आप देख लीजिए। सीवीवी नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं काफी आसानी से, जो कि यहाँ पर देख लीजिए सीवीवी नंबर आपको बता दिया जाता है। एडवांस सेटिंग की ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पर रीसेट पिन की ऑप्शंस मिलता है। आप लोग यहाँ पर देखिए कि रीसेट पिन की ऑप्शंस मिल रहे हैं। पिन सेट करने के लिए रीसेट पिन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको 4 डिजिट का पिन सेट कर लेनी है। फिर से आपको यहाँ पर 4 डिजिट का पिन सेट करना है एटीएम विड्रोवल के लिए। पिन सेट करने के बाद पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका कार्ड एक्टिवेट कर दिया जाएगा। बेसिक सेटिंग की भी ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ से फिजिकल कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम फ्री फिजिकल कार्ड आपको मिलते हैं। ना तो ज्वाइनिंग चार्ज और ना ही एनुअल चार्ज उसमें आते हैं। तो चलिए बैक कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो है गुडनेस ऑफ यूपीआई नाउ जुपिटर एक्टिवेट नाउ की यहाँ पर भी ऑप्शंस है, तो चलो ओके पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक्टिवेट यूपीआई पर क्लिक करते हैं दोस्तों। एक्टिवेट यूपीआई पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जा रहा है, जो कि यूपीआई से लिंक करने के लिए किया जाता है, आप लोगों को पता होगा। चलिए यहाँ पर ओके कर देते हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चलिए फिर से देख लेते हैं रिट्राई करके। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है बार बार, बाद में से हम ट्राई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहूंगा कि यहाँ से अगर आप बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो बैंक ट्रांसफर आप काफी आसानी से कर सकते हैं। और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों कि आप जो भी यहाँ पर एड मनी करते हैं और उसमें से ट्रांजेक्शन करते हैं, आपको परसेंटेज के अनुसार से अप टू 10% के अनुसार से कैशबैक मिलता है। अभी हम आपको फोन पे में इसको लिंक करके दिखाते हैं कि लिंक होता है या फिर नहीं होता है। चलिए हम यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन में आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर माई मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। माई मनी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड न्यू बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहां पर हम सिलेक्ट करते हैं फेडरल बैंक। फेडरल बैंक हमने सिलेक्ट किया, यहां पर नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए एक बार नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं, एसएमएस सेंड किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है यहाँ पर फाइंड किया जा रहा है और यहाँ पर अकाउंट मिल चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फेडरल बैंक सर्च करने से यहाँ पर नियो बैंकिंग जुपिटर अकाउंट खोज लिया गया है। नीचे में मेरा नाम लिखा हुआ है, आईएफएससी कोड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सेट यूपीआई पिन की ऑप्शन आता है, जिस पर क्लिक करना है। डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट आपको यहाँ पर एंटर करनी है और वैलिड कब तक है वो यहाँ पर एंटर करनी है और एक नया यूपीआई पिन बना लेना है। हमने डिटेल एंटर कर दिया, उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ओटीपी भेजा जा रहा है, जो कि आप देख लीजिए ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ पर रीड कर लिया जाएगा। थोड़ा सा हम इंतजार करते हैं, ओटीपी रीड हो चुका है। अब यहाँ पर एटीएम पिन एंटर करने की ऑप्शंस आती हैं, जो कि एटीएम पिन हमने सेट किया था वह पिन एंटर करने की ऑप्शंस आ रहे हैं नीचे में। तो यहाँ पर टैप करके एटीएम पिन हम डालेंगे। हमने पिन डाल दिया, उसके बाद ओके वाले निशान पर क्लिक किया। अब यहाँ पर यूपीआई पिन सेट करना है अपने मन से, तो चलो यहाँ पर सेट कर देते हैं। हमने यूपीआई पिन डाला, उसके बाद ओके किया, फिर से कंफर्म करना है वही यूपीआई पिन। चलो कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग लिया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, और तुरंत से यूपीआई पिन बन जाएंगे। पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद रिवार्ड वाले ऑप्शंस में चलते हैं, ओके करते हैं।
ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अर्निंग 80 यहाँ पर जी बताया गया है, यह बराबर 1 रुपया जो कि आप देख लीजिए, और 10% जो है सभी स्पेंड पर मिलेंगे, वैलिड अप टू 31 अक्टूबर 2021 बताई गई है। इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट टू कैश पर क्लिक करिए, उसके बाद आप जो है इसे ड्रैग करिए नीचे की तरफ, ड्रैग करोगे तो यहाँ पर आपको कैशबैक मिलेगा जो कि देख सकते हैं 80 रुपया मिल चुका है। और उसके बाद बैक टू रिवार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी अमाउंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है हमने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 80 रुपया क्रेडिट कर दिया गया है। दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोगों को थोड़ा सा मैं शॉर्टेज करके दूंगा क्योंकि अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि ये वीडियो 35 मिनट पर जा चुकी है। हालांकि हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल देने लगे जिसकी वजह से यह वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है। एक बात और यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आपको जो है 10% के अनुसार से अप टू 500 रुपया का कैशबैक मिलता है, और वो कैशबैक तब मिलता है जब आप अपने कार्ड से कहीं पैसे स्पेंड करते हैं। पहले मिल जाता था पेटीएम में ऐड मनी, मोबीक्विक में ऐड मनी, या फिर फ्री चार्ज वॉलेट में ऐड मनी, या फिर फोन पे वॉलेट में ऐड मनी करने पर मिल जाता था, लेकिन अब जो है इनके तरफ से नियम बदल दिया गया है। अब आपको कहीं ऑनलाइन स्पेंड करना पड़ेगा, खरीदारी वगैरह करना पड़ेगा, तो वो आप दिमाग लगा लीजिए, कहीं गिफ्ट कार्ड अमेजन की परचेज वगैरह कर लीजिए, वो आप उतना दिमाग लगा लीजिए कि कहाँ पर आप स्पेंड करेंगे। आप लोग जो है 5000 रुपया ऐड मनी करके उसके बाद स्पेंड करना तो 500 रुपया का इंस्टेंट आपको कैशबैक मिल जाएगा। इसके साथ ही अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका 80 रुपया मिलता है जो कि मैंने आपको बता ही दिया, और ये सीधे आपके इसी अकाउंट में आ जाते हैं जिसे आप दूसरे अकाउंट में भी जब चाहे तब आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन चिंता ना करिए, इसमें हम आपको पूरा डिटेल में समझा कर बता रहे हैं, और यहाँ पर अगर शॉर्ट वीडियो चाहते हैं ना तो इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जो कि यहाँ पर 5 मिनट के अंदर इस अकाउंट को खोल कर आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में पूरा जानकारी देना सही रहेगा, तभी तो आप पूरा चीज जानिए और अकाउंट खोलना चाहे या फिर ना खोलना चाहे वो आप खुद डिसीजन लीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है इस खाता को काफी आसानी से खोल सकते हैं। जुपिटर एप्लीकेशन अभी सभी के लिए एक्सेस नहीं है लेकिन काफी सारे लोगों को दिया जा रहा है, ईमेल पर लिंक दिया जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसका जिप फाइल बनाकर आप लोगों को दे पाऊं ताकि आपका ये एप्लीकेशन काम कर सके। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अगली वीडियो इसी पर आने वाली है, कैसे फिजिकल कार्ड ऑर्डर करना है और क्या कुछ यहाँ पर कैसे कैशबैक मिलते हैं ये सारा डिटेल में मैं बताऊंगा, इस्तेमाल करने का तरीका भी बेहतरीन ढंग से बताऊंगा, क्या हिडन चार्जेस वगैरह है इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी आप आगे वाला वीडियो देख पाइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है वीडियो बनाने में, तकरीबन 3-4 दिन लग चुके हैं जो कि इससे पहले जो हम जो डिवाइस रजिस्टर कर रहे थे वो हो नहीं रहा था, उसके बाद 2-3 दिन बाद हमने यहाँ पर फिर से चेक किया डिवाइस बदलकर, क्योंकि हमने कॉन्टेक्ट भी किया लेकिन कॉन्टेक्ट करने पर कोई रिजोल्यूशन उस तरह से प्राप्त नहीं हुए, तो डिवाइस चेंज करके हमने वीडियो बनाया, और ये वीडियो जो है यहाँ पर अभी तक की 1 घंटे पार हो चुकी है। तो इसे काटते 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 मैं इतना बड़ा आपको वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। इसके साथ ही आपको मैं बता देना चाहूंगा कि टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए क्योंकि इसका जो भी एपीके फाइल होगा, जो जीप फाइल बनाकर हम देंगे जो काम कर जाए, या फिर कोई लिंक होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा जिससे आप इंस्टॉल करके अकाउंट ओपन कर सकेंगे। और फर्स्ट लिस्ट अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि फर्स्ट लिस्ट के अनुसार ही आपको ईमेल अकाउंट पर जो है लिंक दिया जाता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।